अब बवाल हुआ खत्म। इसी के बारे में आप सभी को बहुत ही बड़ी खबर देने वाला हूँ इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। जैसे कि आप सभी को पता ही हुआ, कल ही से खूब मीडिया में चल रहा है कि दुर्गा पूजा के चंदा 2 गाना किसका है। कोई कह रहा है पवन सिंह का है, तो कोई कह रहा है खेसारी लाल यादव का है, कोई कह रहा है किसी अदर सिंगर का है। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी दे देने वाला हूँ। इससे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि पवन सिंह का एक गाना आने वाला है, जिस गाने का नाम है सातों बहना आईली। इस गाने को लिखे हैं अरुण बिहारी और संगीत से सजाए हैं छोटू रावत। इस गाने को गाए हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, और पवन सिंह के इस गाने को आप सभी के बीच रिलीज किया जाएगा 25 या 26 तारीख को वेब म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि दुर्गा पूजा के चंदा 2 ए गाना किसका है। तो दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये गाना पवन सिंह का गाना नहीं है। अभी आप सभी को पूरा कन्फर्म बता रहा हूँ कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का गाना दुर्गा पूजा के चंदा 2 नहीं है। दुर्गा पूजा के चंदा 2 ये गाना होने वाला है खेसारी लाल यादव जी का या तो अदर सिंगर का। हाँ दोस्तों, दुर्गा पूजा के चंदा 2 ये गाना होने वाला है खेसारी लाल यादव जी का या तो दूसरे सिंगर का, और इसके बारे में भी कल पूरी तरह से कन्फर्म हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, इस गाने को लेकर सोशल मीडिया में काफी ज्यादा बवाल चल रहा था कि ये गाना किसका है किसका नहीं है, लेकिन आप सभी को पूरा कन्फर्म बता दिया हूँ कि ये गाना पवन सिंह का नहीं है। और इसके बारे में आप सभी को क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पूरी जानकारी दे दिया हूँ इस वीडियो में। और दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी का वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।